क्या मूड है? क्या मूड रहेगा? छोटे सरकार भगवान है यहाँ का जनता। मम्मी देगा ना, पापा भी है ना, सिंह का पूरा मराठी देगा ना। कोई जाता आता, कोई खाली है तो वहाँ से नहीं आता, 24 घंटा उसके लिए खड़ा है। क्या है, क्या हवा चल रहा है? जनता का मूड है एकदम सब छोटे। मुझे छोटे सरकार यहाँ तो सब दिन जीतवे किए हैं, तो एकदम अनंत सिंह का ओके है, नीलम देवी है उनका पत्नी, कोई फर्क नहीं। मैं हूं कुणाल कुमार, आज हम पहुंचे हैं बिहार में, जो मोकामा है वहां पर उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव के दंगल में दो दो दमदार प्रत्याशी उतरे हैं। जी हां, और जिनके दोनों पति बिहार के सुपर स्टार हैं समझिए, और पूरे चर्चित हैं। अभी हम मोकामा के मराठी में पहुंचे हैं और यहां जनता का मूड जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस उपचुनाव में मोदी जी का कमल खिलेगा या लालू का लालटेन जलेगा। मराठी के जनता का राय जानेंगे। क्या जी, क्या मूड है, क्या पूछना चाहते हैं आप? मूड क्या है, क्या हवा चल रहा है? जनता का मूड है एकदम सब छोटे सरकार, सब दिन रहा है, सब दिन रहेगा। तो अब की बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है? हाँ, तो वो भी है, जो भी आएगा, जो भी आएगा, जिनको अनंत सिंह टीका दे दिए वही रहेगा। माने कोई पार्टी साथी, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ छोटे सरकार, सिर्फ छोटे सरकार, छोटे सरकार। अच्छा, आखिर छोटे सरकार में क्या गुण है जो सिर्फ छोटे सरकार? वो जनता को इतना न मानते हैं, इतना न काम करते हैं विकास का, उनका कोई दुगो काम उनका बता दीजिए। देखिए बगल में रोड बना हुआ है, देखिए ना, बगल में रोड बना हुआ है, सब कुछ देख लीजिए, हॉस्पिटल जाके देखिए, स्कूल में जाके बाउंड्री देखिए, टाल में बाहर खनवा दिए, क्या काम नहीं किया सो बताइए ना। कहीं नल, कहीं कल एक आपको घर बचा होगा कि नहीं दिए? सब काम किए, जो भी जनता पहुंचता। अच्छा, आप जो हैं, अनंत सिंह तो जेल चल गए, हाँ। तो अब इतना दिन में कौन सेवा आपका किया? हाँ, नीलम देवी किए, उनका कार्यकर्ता कुल किया जनता को सेवा, इसीलिए आप मतलब, हाँ, उनके समर्थक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब जितना समर्थक। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजीव कुमार। क्या मूड बना? मुझे छोटे सरकार यहाँ तो सब दिन जीतवे किए हैं, तो जीत रहे हैं, जीतेंगे, दूसरा कोई चक्कर में है वे नहीं, कोई चक्कर पार्टी से मतलब नहीं है। अनंत सिंह, अनंत सिंह छोटे सरकार, कोई पार्टी लोड़ी नहीं, कोई पार्टी लोड़ी नहीं, छोटे सिंह का सिक्का चलेगा, चलता रहेगा, कोई टक्कर फक्कर में नहीं है, कभी कमल नहीं, कमल छाप तो शक्तिशाली, कोई पार्टी नहीं है, कोई कमल तमल। क्या बोले? कमल छाप को यहाँ नहीं मिला बीजेपी का एक भी कैंडिडेट, जिसको हम लोग 4 बार उठा के गंगा जी फेंक दिए हरा के, अगला चुनाव में वो भाग गया मैदान से, वो मुर्दाबा को उठा के खड़ा किया है, तो उसको तो नहीं मिला, इसका भी अबरी जमानत जब्त होगा, क्योंकि हम लोग महागठबंधन में 7 दल साथ हैं। देखिए आनंद सिंह में बल है कि निर्दलीय में ही हम लोग जीतते हैं, मैंने 36,000 और 18,000 से, NDA में रहा अनंत सिंह जीता, निर्दलीय में अनंत सिंह जीता, राजद में अनंत सिंह जीता, ये 1990 से चला रहा है यहाँ, भाई दिलीप सिंह, हाँ, उसके बाद सूरज, हाँ, उसके बाद 2005, हाँ, तो यहाँ कोई हवा एकदम अनंत सिंह का ओके है, नीलम देवी है उनका पत्नी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मोदी जी भी आ जाएंगे, उनका भी यहाँ कुछ नहीं होगा, मतलब नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे तो मोकामा में, बहुत छोटा आदमी है यहाँ नरेंद्र मोदी, ये घर है अनंत सिंह का, उनका काम किया हुआ, एक भी गरीब आदमी शादी विवाह कोई बीमारी में अगर मदद का जरूरत है, कोई वहाँ से खाली नहीं आता है, इसीलिए आप लोग मतलब साथ, हाँ, हाँ एकदम साथ हैं। अब आदत छोड़ा देंगे विरोधी को खड़ा होने के लिए, मतलब बिना चुनाव हुए मौका, अब आदत छोड़ा देंगे, ये बार बार जो खड़ा होता है ना, अब आदत छोड़ा देंगे खड़ा होने के लिए, विरोध में खड़ा होने के लिए आदत छोड़ा देंगे। क्या बोल रहे थे, थोड़ा इधर आइए, हां, इस विधायक जी निर्विरोध होंगे, हाँ, अब इसको लड़बे नहीं करेगा साथ में, इतना ज्यादा एकदम पुरजोर समर्थन। अच्छा, आखिर क्या अनंत सिंह में है जो आप अनंत सिंह का समर्थन? बस अनंत सिंह जनता को मानते हैं, हर कुछ गरीब का, कोई जाता आता, कोई खाली है तो वहाँ से नहीं आता, 24 घंटा उसके लिए खड़ा रहता है, ये 7 साल से वो जेल में भले हैं, लेकिन इससे पहले वो 24 घंटा जनता के लिए साथ रहते हैं। तो जेल चल गए तब कौन जनता, उनके जगह विधायक प्लेट पर आदमी है, मैडम है, नीलम देवी है, बंटू सिंह है, सतीश पहलवान जी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, वही लोग आप लोग कार्यकर्ता जो कि वहाँ मास्टर साहब हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ रहते हैं, हम लोग का सेवा करते हैं, हाँ। आप जनता हैं कि अनंत सिंह का कार्यकर्ता है? जनता कार्यकर्ता जो समझिए सब हैं, सब, हाँ एकदम हम लोग जनता है, जनता। तो क्या मूड है, क्या मूड रहेगा? छोटे सरकार भगवान है यहाँ का जनता का, यहाँ का जनता का छोटे सरकार भगवान के रूप में है, सबको समर्थन करते हैं, गरीब, मजदूर,
ऊंचा जाति रहे छोटा जाति रहे सबका एक सम्मान महत्व करता है। इसीलिए आप बस इसी के लिए यहाँ कोई पार्टी कुछ नहीं, यहाँ एक छोटे सरकार जानते हैं। मकामा विधानसभा 32 साल से अभी तक उनका अंदर में है, इसका क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। तो इसका कारण है कि बस जनता को देखते हैं, सब लोग को जनता के लिए डॉक्टर वैद्य सब कुछ देखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, इसीलिए बस। तब क्या जी, क्या माहौल है मराठी का? यहाँ तो अनंतमय है। अनंतमय है जिसका अंत कभी हो भी नहीं करेगा मुकामा में, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कोई आ जाए, यहाँ पर अनंत नाम का चल रहा है प्रथा। तब क्या जी बोलिए, माहौल तो है, देखिए रहे हैं माहौल तो है, ये सब जगह से तो पता आपको चल ही गया होगा कि माहौल है। व्यक्ति व्यक्ति का अपना अपना लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, वही बात है। यहाँ अनंत सिंह है, मैं है, अनंत है, हाँ अनंत सिंह। भाजपा भी तो ब्रांडेड पार्टी है ना, मगर जगह जगह का अपना अपना प्रभाव होता है, और यहाँ उनका वही प्रभाव है। हाँ यहाँ वो रहेंगे, 20 रहेंगे, निकल जाएगा सीट। हाँ निकलने रहता है उनका सीट, हाँ निकलने रहता है। अभी तो ज़्यादा विशेष है, तब अभी तो ज़्यादा, हाँ का पार्टी उटी लाइन्स है सब। आप पहले तो अकेला भी निकल जाते थे, निर्दलीय से जब निकल गए तब तो पार्टी ताटी अलायंस है, तो अब निकलने में फिर डर क्या है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी यहाँ का जनता कहता, हम तो आज तक नहीं गए हैं कि जो जाता है ना वो उनका काम कर देते हैं, जो भी जाता है। हाँ इसलिए उनको अच्छा, मतलब व्यक्तित्व में अच्छा माना जाता है उनको। जो भी गया है तक बोलता है गांव में, हम तो नहीं गए हैं मगर सुनते हैं कि गया है तो काम कर दिया है उनका, हम एकदम होगा गारंटी। हाँ कर ये देता है लगभग काम जो होने वाला रहता है एकदम निश्चित। क्या जी गमछी वाले, क्या लग रहा है? अनंतमय है मराठी। क्यों अनंत सिंह का जो एक बात है, अनंत सिंह की जब चुनाव मैदान में आते हैं तो उनका स्लोगन रहता है, जिसे पहले था माँ बहनों पे अत्याचार नहीं सहेंगे छोटे सरकार, तो अब की बार कोई स्लोगन है क्या? यहाँ का जनता सिर्फ अनंत सिंह को जानता और दूसरा किसी को नहीं जानता है। हाँ साफ बात है। क्या कारण है जो इतना समर्थन आप लोग देते हैं? उनका प्यार आशीर्वाद हम सबके पर है, इसीलिए इतना समर्थन करते हैं उनको। मुरेठा वाले जी क्या माहौल रहेगा? हम क्या बोले इनसे पूछे हमको, तब इधर सुनिए नौजवान आप हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं। कुछ तो होगा ना, 18 साल के से ऊपर आप लोग को कुछ भी पता नहीं है, हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग यहाँ के बासिक भी नहीं है, यहाँ नानी घर मेरा। अच्छा नानी घर है, अरे अनंतमय है यहाँ पर। अच्छा मम्मी किधर वोट देंगे? मम्मी देंगे अनंत सिंह पर। पापा किधर? पापा भी अनंत सिंह, पूरा मराठी देगा अनंत सिंह पर, पूरा मराठी अनंत सिंह। हाँ कोई टक्कर नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, तब मराठी के आप हैं जी, तो क्या लग रहा है इस विधानसभा के उपचुनाव में किधर मत अपना दीजिएगा? महागठबंधन को देंगे। क्यों? क्यों विकास करते हैं अनंत बाबू, विकास करते हैं इसीलिए। तो अनंत सिंह तो अब है नहीं, अनंत सिंह की पत्नी अब आ गई है। हाँ तो वही करेंगे, मतलब वोट अनंत सिंह के नाम पे जाएगा क्या? कोई भी उम्मीदवार रहे कोई फर्क नहीं, अनंत सिंह को जाएगा यही ना।